जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग साल भर जी जान से मेहनत करते हैं, एक एक टेस्ट देते हैं, रातों की नींद खत्म करते हैं, लेकिन जब फल खाने का टाइम होता है, काउंसलिंग का टाइम होता है, कॉलेज मिलने का टाइम होता है, आपकी रैंक में सही कॉलेज में जाने का टाइम होता है, तो आपसे लापरवाही हो जाती है। क्यों? आप घर में बैठ जाते हो, दोस्तों से बात कर लेते हो, चॉइस फिलिंग में कर लेते हो, इस नंबर पे ये कॉलेज मिल जाएगा, एक से एक गुरु मिल जाते हो तुम लोगों को। अब ध्यान से सुनो, यूपी स्टेट में तुम्हारी जो भी रैंक आई हो, अगर काउंसलिंग कराने जा रहे हो, सारे कॉलेज ऊपर से नीचे तक भर देना, बेवकूफी नहीं करना, चार कॉलेज भर के छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता नहीं किसकी क्या पसंद है। इस बार बहुत सारे ऊपर की रैंक के बच्चों ने एम्स नहीं लिया, दिल्ली जिपमर लिया, तो इस तरह से बच्चों की चॉइस बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है। प्लीज किसी की बात को सुनकर ऐसा नहीं कर देना कि तुम्हारी रैंक पे ये कॉलेज मिल जाएगा, ये कोई नहीं जानता। एक बात है, यूपी की जिस स्टेट रैंक पे पिछली बार कॉलेज मिला था, उसके ऊपर की रैंक में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक तो ऊपर वाले बच्चे दूसरे कॉलेज में जाएंगे, ऑल इंडिया से लेंगे, वो काफी बच्चे हैं पहले 100 में, और नीचे की रैंक ऊपर गई है। मेरा मतलब यह है कि जितने ऑल इंडिया रैंक पे जो स्टेट रैंक पिछली बार थी, ठीक है ना, तो उसमें इस बार फर्क है। तो कॉलेज नहीं मिले शुरू में, परेशान मत होना, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड तक वेट करना है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारे कॉलेज सारे बच्चे फिल करेंगे, छोड़ दोगे तो हो सकता कॉलेज ना मिले। तो बेटा, एक टीचर और पेरेंट्स का यही काम होता है, सही टाइम पे आपको सही चीज बताते रहे, बाकी मर्जी आपकी। फिर से एक बार सुन लो, ऊपर से नीचे तक सारे कॉलेज चॉइस फिलिंग में फिल करना है, ठीक? चलो ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट यूजी काउंसलिंग। थैंक यू।